हेलो दोस्तों, तो आज हम लाए हैं एक सवाल जो है क्वेश्चन बैंक का, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है और बहुपद का 2.3 का ये क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। तो आप यदि मैट्रिक की एग्जाम दे रहे हैं और 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे एक बहुपद लिखा हुआ है और इस बहुपद के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक इतना और इतना दिया गया, मतलब हमारे पास एक बहुपद गिवेन है, इस बहुपद का बोल रहा है अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए जिसका 2 शून्यक दिया गया है। तो पहले मान लेते हैं कि माना ये जो बहुपद है, इस बहुपद को पी एक्स के फॉर्म मान लेते हैं। तो पी एक्स बराबर कितना, 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब इस पी एक्स के क्या है, 2 शून्यक दिया गया है। तो लिखिए यहाँ पे पी एक्स के 2 शून्यक कितना दिया गया है, रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3। हाँ, तो देखिए ये जो दिया गया है इसका मतलब क्या, हमें x का मान दिया गया है। तो देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करके, ये प्लस में लिख दिया है, फिर एक बार माइनस में x माइनस रूट में 5/3 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बराबर में x का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना, रूट में 5/3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/3 आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मान आया है इससे क्या करेंगे, इस बहुपद में भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम साइड में भाग देते हैं। यहाँ देखिए इससे भाग देंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और बहुपद लिखिए क्या है, 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5, इसमें हमें भाग देना है। तो यहाँ पे भागफल लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 3x^4 है, कितना से गुना करना पड़ेगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, पावर 4 होगा और पीछे में 3 है, तो क्या होगा, 3x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 3x^4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, फिर देखिए 5/3 में इतना से यानी इसमें गुना करेंगे क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, तो 5x² हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, भागा में चिन्ह बदलता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट गया, देखिए यहाँ पे क्यूब वाला है तो 6x³ बच गया, फिर देखिए यहाँ पे प्लस 5x², यहाँ पे माइनस 2x², कितना होगा, प्लस 3x² होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6x³ है और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा, 1x से गुना करना पड़ेगा, और देखिए प्लस में तो प्लस में 1x होगा, लेकिन पीछे में क्या है, 6 है तो 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x³। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो माइनस, फिर इसमें गुना करेंगे कितना, 3 × 2 = 6, और फिर यहाँ पर कितना होगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 × 2 = 10x हो जाएगा, ये कितना हो गया, 10x हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस में 10x, इसको भी लिख लेंगे, देखिए क्या बचा, यहाँ पे चिन्ह बदलेगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3x², ये अलग में है और ये दोनों एक जाति का है, तो देखिए ये यहाँ पे कट जाएगा, 10x कट जाएगा, तो क्या बचा हमें, 3x², फिर ये माइनस में 5 बचा। तो अब देखिए यहाँ पे कितना से लगाएंगे, तो देखिए कितना से, एक्स स्क्वायर है तो 3 से लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे प्लस में 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये 3x², फिर यहाँ पे माइनस 5/3 में 3 से गुना करेंगे, 3 कैंसिल, बच जाएगा 5 बच गया, चिन्ह बदलेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, 0। तो अब यहाँ पे 0 आ गया, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो देखिए भाज यहाँ पे क्या है, तो देखिए यही हम कर देते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा, तो देखिए भाज कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं,
यानी पी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज है तो भाजक कितना है एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बटा तीन इंटू भागफल कितना है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें तीन छः तीन है, यहाँ पर क्या आएगा तीन कॉमन आ जाएगा तो तीन यहाँ पे कॉमन लिख देते हैं फिर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बटा तीन, तीन कॉमन आ गया क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों इसका गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, इसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बटा तीन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस देखिए टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स, यहाँ क्या होगा एक्स प्लस एक्स फिर प्लस में वन आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको तो ऐसे ही लिखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बटा तीन, यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा एक्स प्लस वन, इसमें कितना कॉमन इसमें प्लस वन कॉमन तो एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बटा तीन, यहाँ पे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बटा तीन इसका शून्यक देखिए हमें गिवेन है ये निकल जाएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वन का निकालेंगे तो एक्स प्लस वन बराबर कितना जीरो, इसीलिए एक्स बराबर कितना माइनस वन, फिर इधर भी देखिए एक्स प्लस वन बराबर जीरो इसीलिए एक्स बराबर कितना माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए अन्य सभी शून्य क्या होगा, तो देखिए अन्य दो का शून्य निकला माइनस वन और माइनस वन, तो यहाँ पर लैंग्वेज में लिख सकते हैं अतः पी एक्स के अन्य सभी शून्य, तो क्या क्या निकला दोनों का माइनस वन ही निकला तो क्या होगा माइनस वन और माइनस वन है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बैंक में बहुत बार पूछा गया है, यदि आप 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ये 2022 में जरूर आएगा। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, हम सेट हो जाते हैं।